Uh, dear student now we are going to discuss uh, one of the like different topic in econometrics uh, which is again having the very much uh, important in the literature on economics, in the literature on like uh, financial sector and in the like specifically for social sciences uh, which is like uh, seemingly unrelated regression sur uh, this is a new concept for the students of economics Uh, और इसमें uh, जो इंटरेस्टिंग थिंग है डेट इज दिस इज बेसिकली जनरलाइज वर्जन ऑफ ओ एल एस ऑर्नरी इसमें एक माइनर डिफरेंस है विच इज़ लाइक परपोज बाय ऑर्नर जेलन इन नाइनटीन सिक्सटी टू ये बेसिकली एक एक्सपेंडिड वर्जन है ओ एल एस का और uh, इस एक्सपेंडिड वर्जन में वो ये कहता है कि यस इफ़ यू हैव दराइटी ऑफ रिग्रेशन और उन वराइटी ऑफ रिग्रेशन में जो एसोसिएशन uh, है वो कुछ इस टाइप की है कि आप लाइक uh, तीन चार या पांच डिफरेंट रिग्रेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी पर रन करना चाहते हैं उन सब रिग्रेशन में योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफरेंट हर एक में जब वेरिएबल डिफरेंट होगा बट योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑलमोस्ट सेम जब उन पर रिग्रेस करते हैं तो उनके जो एरर्स हैं दे आर को रिलेटेड एंड इफ द एरर्स आर को रिलेटेड तो उसको हम कहते हैं दे आर लाइक सीमिंगली अनकोरिलेटेड रिग्रेशन होती है और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं यू कैन यूज इट मैनुअली आप एस यू आर पे डायरेक्ट सोर uh, पे ईव्यूज uh, e आपको हेल्प करेगा इवन uh, आप इसको मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर मॉडल को सेपरेट रन करें और उनके एरर की कोरिलेशन देखें इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड इट मीन द बेस्ट मॉडल इज सोर फॉर एफिशियंट फाइंडिंग बट ऑन द अदर हैंड इफ द एरर्स आर अनकोरिलेटेड बेस्ट अप्रोच इज ओ एल एस इवन वही आपका जो सोर मॉडल है वो ओ एल एस बन जाएगा और ओ एल एस के अगर एरर कोरिलेट uh, कर रहे हैं ओ एल एसर बन जाएगा इसलिए इनको स्विच कर लेते हैं कि इनकी अगेन द प्री कंडीशन इज दट एरर आर हाईली कोरिलेटेड और दिस इज एन अदर क्वेश्चन एरर इसलिए इफ यू आर लाइक गोइंग टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑन जी डी पी इन एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर आज जी डी पी फ्राम सर्विसिज एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर ऑन जी डी पी ऑफ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर तो उसमें कुछ जो कामन फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक फैक्टर वो सेम होंगे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम होंगे uh, कुछ कल्चरल फैक्टर सेम होंगे और जो कल सारे फैक्टर सेम होंगे जिनको हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं किया उनको जब हम एरर में इंक्लूड करेंगे तो उन सब के एरर को रिलेट करते हैं इसलिए इफ द एरर्स आर हाईली कोरिलेटेड देन द बेस्ट अप्रोच इज सीमिंगली अनकोरिलेटेड रिग्रेशन बट इफ द एरर्स आर अनकोरिलेटेड देन द बेस्ट अप्रोच इज ओ एल एस सो सीमिंगली अनकोरिलेटेड रिग्रेशन इज जनरलाइज फॉर्म ऑफ ओ एल एस और इनकी जो प्रोसीजर uh, है जो टेक्निक्स हैं इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा बट द कंसेप्ट इज लिटल बिट डिफरेंट